इन दिनों केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उन्हें साफ साफ वार्निंग दे दी है कि अगर रिश्वत की एक कप चाय भी पी तो अंजाम बुरा होगा। गोयल ने कहा कि अगर मिलीभगत से कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं या रिश्तेदारी में कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, जितने भी पुराने हिसाब हैं उन्हें तुरंत खत्म करें और जो अधिकारी इस नई व्यवस्था में काम नहीं कर पा रहा है वो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। इस वीडियो को देखकर लगता है कि गोयल उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की खबर ले रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शुक्ला भी मौजूद हैं। तो आप भी देखिए कि कैसे केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की क्लास लगाई। We really need to demonstrate to the people that we mean business, कि हम सब इस काम को एक मिशन के रूप में करते हैं। ये संवेदना से करने वाला काम है, क्योंकि एक एक वो गरीब जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची उसकी। और आप इमेजिन करिए, अगर आपके बच्चों को आज 40 डिग्री 42 डिग्री में 100% हाउसहोल्ड और 24 घंटा दोनों ट्विन मिशन क्यों ना उत्तर प्रदेश, यू विल नॉट बी स्पेयर्ड। ध्यान रखो, और ये मैसेज आपके नीचे ऊपर सब जगह पहुंचाए विद्युत विभाग। अगर एक भी व्यक्ति ने एक रुपए की भी रिश्वत चाय भी पी किसी की, they will face action, जो सबसे सीवियरेस्ट एक्शन कानून का हर प्रावधान उनके ऊपर लगे। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिली भगत किसी की रिश्तेदारी में कॉन्ट्रैक्ट पुराना कुछ भी पुराना हिसाब किताब चल रहा है, उसको मेहरबानी करके तुरंत खत्म करवाना। अगर कोई इस नई व्यवस्था में नहीं काम कर सकता है, मंडे मॉर्निंग रेजिग्नेशन देके अपने घर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। मंडे मॉर्निंग, और ये मैसेज सब जगह तक दे दो, अगले एक हफ्ते के अंदर जितने लोगों को नई व्यवस्था में काम करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई, एनी बड़ी बड़े से बड़ा व्यक्ति मैसेज चला ये एक हफ्ता है, उसमें रेजिग्नेशन देके हमारे भी चले जाए, उसको पेंशन मिल जाएगी, जो भी सरकारी कानूनी व्यवस्था है उसके साथ। और अपना आदतें बदल ले, अपना खर्चे बदल ले। लाइन्समैन के लिए कह रहा हूँ, इंस्पेक्टर्स के लिए कह रहा हूँ, क्वालिटी चेकर्स के लिए कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कह रहा हूँ, जिसको नई व्यवस्था में काम करने में तकलीफ है, इज फ्री टू रिजाइन एंड गेट आउट। कोई कॉन्ट्रैक्टर को लगता है हम इस नई व्यवस्था से नहीं जुड़ सकते हैं, वो बात कर ले और टर्मिनेशन ऑर्डर दो उसको, थ्रो हिम आउट। एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, ऑन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ वर्क। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। मेरे अधिकारियों को बहुत अच्छे तरीके से मैसेज घुटा हुआ है इनके अंदर। अभी यूपी के अधिकारियों में नीचे ऊपर दोनों, आपके सीनियर्स को भी पता चल जाए, आपके आप मेक श्योर अबाउट दैट, और जूनियर्स को भी जरूरत पड़े तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन कॉल आप कर सकते हैं। सर आपकी जो मीटिंग हो चुकी है, अगर जाति धर्म किसी भी प्रकार के भेदभाव का एक एग्जांपल भी आया एक पावर फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट में टेक केयर ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इन प्रैक्टिकल चीजें मत डालो। और वैसे तो हाँ भी एक लाख गाँव है, कोई ऐसा डॉक्टर ने नहीं बोला एक के बाद दूसरा के तीसरा है, तो पैरेलल काम हो सकता है। देश भर के बकड़ेज के इस नई व्यवस्था में नई तरीके से काम होगा। बिल्डिंग जहां जहां हो रही है उसको सबको कॉन्फिडेंस देना, और एक रुपए का भ्रष्टाचार, जहां जहां बिल्डिंग प्रोसेस सुधार सकते हो वो बिल्डिंग प्रोसेस सुधार। बट वो तो चलो, अभी जो बोलना था बोल दिया, नाउ द पॉजिटिव आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप सब यहाँ, चाहे आपकी छुट्टी नहीं थी हमारी तो यहाँ छुट्टी थी वैसे, अब 24 घंटे काम, काम के अलावा कुछ नहीं। जिस जिसकी गोल्फ क्लोर्सेस की मेंबरशिप है, क्लब मेंबरशिप है, भूल जाओ। अगर किसी को रात को कोई और काम की आदतें हैं तो अच्छा है, रिहैब कर लो अपने आप का, ये अच्छा मौका है, परिवार भी खुश हो जाएगा। अभी अदर देन वर्क नथिंग एल्स, कोई लूज कमेंट्स किधर नहीं करना है।
जो निर्धारित कार्यक्रम आप लोग तय करेंगे कब तक होगा? 24 घंटे ये हर घर का September 2018 पत्थर की लकीर है, उसका भी मैं डेट आपको बता रहा हूँ, 25 सितंबर 2018 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी का वर्ष हम इस वर्ष मना रहे हैं, उस दिन वो काम खत्म होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की कल्पना रखी थी और हम सबका दायित्व है, समाज का दायित्व है कि गरीब से गरीब आदमी को सबसे पहले सेवा करें। उस सेवा भाव से 25 सितंबर 2018 को हम उत्तर प्रदेश को 100% विद्युतीकरण से जोड़ दिया, ये घोषणा कर सके। इस प्रकार से आपको ये डॉक्यूमेंट सिर्फ नहीं रहेगा, ये बाइबल कुरान और गीता ये तीनों रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमको पूरे समाज की सेवा करना है और उस हिसाब से सब काम करें। जिसको इस व्यवस्था में सूट नहीं करता है, एक हफ्ते का समय है, रेजिग्नेशन देके ऑनरेबली एग्जिट करता, ठीक है। वाराणसी का कौन है? वाराणसी में तो मैं खुद आऊंगा, देख सर अभी तीर की तरह काम होना चाहिए। पीजीसीआई का अंडरग्राउंड केबलिंग, वहां पे व्यवस्था सुधारना, ट्रांसफॉर्मर्स वायरिंग ज्यादा चेंज करें, अभी एबीसी केबल हो क्या है, एरियल पंच ऐसे को थोड़ा सुधार, टेक्निकल सुधार भी साथ साथ में करो, सिर्फ हर एक चीज कैरी ऑन बिजनेस के रूप में नहीं चले।